दोस्तों स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे लॉकडाउन में ट्रेवल के बारे में कि कैसे आप फ्लाइट से ट्रेवल कर सकते हो ड्यूरिंग लॉकडाउन और कैसे आपको टिकट करना है, क्या 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 सेफ्टी मेजर्स रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फ्लाइट के दौरान फॉलो करना है या ट्रेवल के दौरान आपको फॉलो करना है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप लास्ट तक देखिए। अभी लॉकडाउन के दौरान इन कंट्री फ्लाइट शुरू हो गए हैं, आप दूसरे एक शहर से दूसरे शहर फ्लाइट लेके जा सकते हैं। अगर आप कहीं पे हैं, आपके जॉब के लिए कहीं पे आप दूसरे सिटी में शिफ्ट है, अगर आप घर आना चाहें तो आप ट्रेवल कर सकते हैं। आप जब फ्लाइट से ट्रेवल करेंगे कुछ नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा, कुछ सेफ्टी मेजर्स आपको फॉलो करके चलने पड़ेंगे ताकि आपके आपका ट्रेवल सेफ हो और आपके साथ जो भी पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हैं उनके भी फ्लाइट सेफ हो। आप फ्लाइट की टिकट ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट में ही सब कुछ रूल्स दिया जाता है ताकि आपको क्या क्या कैरी करना है, कैसे आना है, कितने घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना है, इसी बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आप फ्लाइट का टिकट ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट में ही सारे सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन दिया जाता है। कुछ और भी चीज़ें हैं जो एयरपोर्ट के अंदर ज़रूरत है, कुछ ऐसे जैसे कि आपका आरोग्य सेतु ऐप, कैसे आपको पहुंचना है, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे। अब ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद आपको वेब चेक इन भी कर लेना है क्योंकि फिजिकली बोर्डिंग पास जैसे पहले फ्लाइट में बोर्डिंग करने से पहले मिलता था जब आप अपने बैगेज चेकिंग करते हैं, अभी वो नहीं है। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी कम्प्लीटली सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सभी सर्विसेस जितने भी हो सके उतना ही कॉन्टेक्ट लेस कर दिया है ताकि आप सुरक्षित ट्रेवल कर सकें। आपको एयरपोर्ट 2 घंटा पहले पहुंचना है, आपका थर्मल चेकअप होगा और आपके बैग को सैनिटाइज किया जाएगा। तो ये प्रोसेस काफ़ी टाइम टेकिंग है, इसलिए आपको 2 घंटा पहले पहुंचना है। आप जब एयरपोर्ट पहुंचे आप अपने वेब चेकिंग या टिकट या कोई भी गवर्नमेंट वैलिड आईडी प्रूफ के साथ आपको आरोग्य सेतु ऐप भी दिखाना पड़ेगा जो मैंडेटरी है एंट्रेंस के लिए। आरोग्य सेतु ऐप आपको चेकिंग जब आप बैग चेकिंग करोगे तभी आपको पूछा जाएगा। उसके बाद अगर आप सिक्योरिटी चेकिंग में भी जाते हो या फ्लाइट बोर्डिंग भी करते हो तभी आपको पूछा जा सकता है। तो आरोग्य सेतु ऐप बहुत इम्पोर्टेंट है, डाउनलोड कर लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप फ्लाइट का वेब चेक इन आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं या डिजिटली भी ले जा सकते हैं। आप वेब चेक इन प्रिंट आउट या डिजिटली भी अपने मोबाइल में स्टोर करके रख सकते हैं। एयरपोर्ट एंट्रेंस के दौरान आप वैलिड आईडी प्रूफ के साथ, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के साथ वेब चेकिंग दिखाना पड़ेगा। एक बार आप सैनिटाइज हो जाएंगे, आपके बैग सैनिटाइज कर दिए जाएंगे, आपका थर्मल चेकअप हो जाएगा, आरोग्य सेतु ऐप का सब इंफॉर्मेशन देखा जाएगा। उसके बाद जब आपको एंट्री मिलेगा एयरपोर्ट में आपको साथ ही में ही बोर्डिंग पास के मशीन से आपको बोर्डिंग पास निकाल लेना है। एक बार वो बोर्डिंग पास निकाल लेने के बाद आप चेकिंग के लिए चले जाइए। चेकिंग में आपको ये बोर्डिंग पास दिखाना पड़ेगा और साथ ही में आपके बैग चेकिंग के लिए देना पड़ेगा। वेब चेकिंग में जो बैग दिया जाएगा उसमें आपको अपना नाम, अपना पीएनआर नंबर जो टिकट का है जिस जो आप बुक कर रहे हैं और जिससे आप ट्रेवल कर रहे हैं, और साथ ही में आप कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, साथ में आप अपना फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं अगर आपको ज़रूरत लगे या नहीं भी दे सकते हैं। और आपको ये या तो प्रिंट आउट करके या हाथ से लिख के आप बैग में लगा दीजिए। जैसे कि मैं पहले ही बोला था कि सारी चीज कॉन्टेक्टलेस होने वाले हैं ताकि आपका सेफ्टी और साथ ही फेलो पैसेंजर का भी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी सभी कुछ कॉन्टेक्टलेस कर रहे हैं, इसलिए सभी टैग लगाना, बैग को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वो सभी कुछ आपको खुद को करना पड़े। एक बार चेकिंग करने के बाद आप वहाँ से सिक्योरिटी चेक के लिए चले जाइए। सिक्योरिटी चेक में भी आपका जो बोर्डिंग पास आपने निकाला था वेब चेकिंग वाले टिकट से वो आपको सिक्योरिटी में दिखाना पड़ेगा और दिखा के आप सिक्योरिटी चेक के लिए आगे जा सकते हैं।
अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको आपका खाना खुद से लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइंस वाले कहीं पे भी फूड सर्विस नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो आपको एयरपोर्ट में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। एयरलाइंस में फूड सर्विसेज कम्प्लीटली बंद हैं, कोई भी फूड या बेवरेजेस सर्व नहीं किया जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी को कि आप आपके खुद के खाने खुद लेके जाइए और पानी भी साथ में लेके जाइए, ताकि आपका ट्रेवल आराम से हो, कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि मैं पहले बोला था कि आप बैग लेके जा सकते हैं, आप दो बैग लेके जा सकते हैं। जैसे कि पहले अलाउ करता था 15 kg और 7 kg चेक इन और साथ में हैंड बैग ले जाने के लिए, अभी भी सेम प्रोसेस है। अभी भी आप दो बैग लेके जा सकते हैं। दोनों बैग को ही एयरपोर्ट एंट्रेंस में सैनिटाइज किया जाएगा। वहां पे आप टैग भी लगा देना पड़ेगा आपके चेकिंग बैग में, और वो आप चेकिंग के दौरान आप वो सबमिट कर सकते हैं। एक बार आपका सिक्योरिटी चेकअप हो जाने के बाद आप जब अपने गेट के सामने जाके बैठेंगे, वहां पे एयरलाइंस वाले आपके लिए एक सेफ्टी किट दिया देगा, जिसमें कि एक फेस मास्क, फेस शील्ड और एक हैंड सैनिटाइजर रहता है। इन वो आइटम वेरी करता है एयरलाइंस टू एयरलाइंस, तो काइंडली आप देख लीजिएगा कि आपको क्या दिया जाएगा। लेकिन मेरा सुझाव है कि आप मास्क जरूर पहन के जाइए, जो कि मैंडेटरी है अभी सभी ट्रेवल्स में। आप ग्लव्स लगा के जाइए, क्योंकि आप ट्रेवल कर रहे हो एक जगह से दूसरे जगह पे। अगर आप एक जगह से दूसरे शहर पे ट्रांसफर यानी ट्रेवल करते हो फ्लाइट से, तो वहां पे पहुंचने के साथ ही साथ आपको आपके जो अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी या जो भी हेल्पलाइन नंबर दिया गया है कोरोना वायरस के लिए, वो हेल्पलाइन नंबर पे आप फोन कर लीजिए। फोन करके आप बता दीजिए कि आप कहाँ से कहाँ पे ट्रेवल कर रहे करके आए हो। आप साथ ही साथ ही कर सकते हो, या फिर आप घर पहुंच के वहां पे फोन भी कर दे सकते हो कि आप पहुंच गए हो। आप जब भी घर जाए तो सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें, घर से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, आप आइसोलेशन में जाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए।